नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज आपके लिए नई बात यह है साथियों कि काफ़ी लोगों के कॉल और कमेंट्स इतने आ रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है, जिनका वीज़ा आ गया उनका फ्लाइट नहीं हो पा रहा। तो मैं बता दूं साथियों कि इसका रीज़न क्या है। क्योंकि आपको पता ही है कि मोमडन कंट्रीज में, जैसे गलत में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, इराक, इराक, कुवैत, जो भी है, जैसे मलेशिया है, वो भी एक मोमडन कंट्री में आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिनका वीज़ा आ गया वो भी वहीं बैठे हैं, जिनका नहीं आया वो भी वहीं बैठे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ईद आने वाले टाइम पे जो ईद का माहौल चल रहा है, 5 तारीख को ईद है और एक महीना जो उनका रमज़ान का टाइम होता है, तो उसमें लगभग प्रोसेस 90% स्टॉप रहता है। ठीक है, तो जिनका वीज़ा आ गया वो तो वहीं हैं, जिनका नहीं आया उनकी भी टिकट नहीं आ पा रही। दुबई के लोग कॉल करते हैं, दूसरी कंट्री के लोग कॉल करते हैं, सर जी हमारा टिकट नहीं पा रहा, एजेंट ये बोल रहा है, एजेंट झूठ बोल रहा है। भाई एजेंट झूठ नहीं बोल रहा है, किसी का भी मान लीजिए, ये सिस्टम पूरा मेरे को जहाँ तक पता है, मैंने पता लगाया है, ये आपका सिस्टम 5 तारीख के बाद यानी 7 तारीख के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी हाँ साथियों, तो आप टेंशन ना लें, जिनका वीज़ा आया है उनकी भी फ्लाइट होगी, जिनका वीज़ा नहीं आया उनका भी वीज़ा वगैरह प्रोसेस जो भी होता है आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करें 10 तारीख तक का, क्योंकि मोमडन कंट्री है उनका, एक महीना, ये 12 महीने में एक महीना उनका इंपॉर्टेंट महीना होता है, जिसमें वो काम दाम सब छोड़ के अपने उस सिस्टम में लगे रहते हैं, तो वो काम वगैरह नहीं करते। और आपको पता है रिस्पॉन्सर वीज़ा मोमडन वहाँ पे होते हैं, ऑफिस मोमडन, लगभग कंपनियाँ वगैरह सब उन्हीं का प्रोसेस होता है। इस चक्कर में आप थोड़ा सा वेट कर लें, 10 तारीख तक जिनका वीज़ा है वो भी चले जाएंगे और जिनका नहीं है उनका काम हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 मिनट का वीडियो आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों के कॉल कमेंट आ रहे थे सर जी बताओ, तो मैंने आपको बता दिया भाई 10 तारीख तक वेट कर ले, 5 तारीख की ईद है, 7 तारीख से सिस्टम स्टार्ट होगा, तो जल्दी आपका काम बन जाएगा। ठीक है साथियों, फिर भी और कोई आपको बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लें, ताकि जैसे मैं अपडेट नई जानकारी आपको दूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।